एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन लेके आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये कलेक्शन पसंद आएगी। और ये देखें, सबसे पहले ये रिंग्स हैं मेरे पास, ये टॉप्स हैं इसके साथ। ये मैंने रिंग और टॉप्स ये मैंने खुद से ख़रीदे थे, ये मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हुए हैं। और ये रिंग देखें, बहुत ही प्यारी है, पार्टी वेयर लुक है। और ये दोनों सेम ही एक्चुअली आ गई थी, बट कलर इनके अलग अलग हैं बस, और कुछ नहीं है। डिज़ाइन वगैरह सब कुछ इसका सेम ही है। और पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती हैं और एकदम पार्टी लुक देती हैं। और आजकल वैसे बड़ी रिंग्स का तो फैशन भी है। और ये ब्लू में देखें, ये मुझे रिंग्स बहुत ही पसंद हैं। और बस खाली आपने एक ही रिंग ये पहनी हो तो आपको पूरी आपके जो हाथ है ना कवर कर देती, नहीं तो हमें ऐसे ही क्या होता है, छोटी रिंग्स हम दो तीन पहनते हैं, बट ये बड़ी वाली रिंग एक ही पहनी हो तो बहुत ही स्मार्ट लगती है। और ये देखें, ये ग्रीन में है, दोनों के डिज़ाइन सेम ही है, बट बस थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है, बाकी सेम ही है ये दोनों। और ये मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, ये मैंने यहाँ से ही अपनी लोकल मार्केट से ही ली हुई है। और किसी भी फिंगर में आप इसे पहन सकते हैं, ये एडजस्टेबल है और पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद आगे जी झुमके, ये है जी झुमके और इसके साथ है जी टिक्का। और ये देखिए कितना प्यारा है, पता नहीं आप कैमरे में कैसा नज़र आता है, लेकिन बहुत ही प्यारा है ये। और ये सच में मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, और ये भी बहुत ही प्यारे हैं। ये पूरा एक सेट है, मतलब दो ईयर रिंग्स हैं और एक टिकता है इसके साथ। और ये है जी रेड और गोल्डन में, ये भी बड़े प्यारे हैं। और इसकी एक अच्छी बात ये है, बहुत ही लाइट वेट है, देखने में ऐसे लग रहे हैं कि काफ़ी हैवी होंगे, बट हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट में है। और पहनने के बाद कान वगैरह दुखते नहीं है, नहीं तो कभी क्या होता है हम ज्वेलरी पहनते हैं तो कान वगैरह बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और ये है ग्रीन में, ये भी बहुत लाइट वेट है, बहुत ही, और रात के टाइम तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं पहने में। और ये रेड गोल्डन और कुछ सिल्वर में इसका मिक्स है। और ये है, ये आगे जी झुमकों की कलेक्शन, बहुत ही प्यारे लाइट वेट में है। और ये वाले झुमके तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किए हैं और ये चंडीगढ़ से लेके आया था मेरे लिए। और उसके बाद आगे जी ये सिल्वर में ऐसे बाली टाइप में है, मतलब ऊपर से पूरी बाली बनी हुई है, ऐसे रिंग जैसी है, और नीचे इसके झुमके हैं छोटे छोटे ऐसे, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये पहने हुए। और ये सिल्वर में है। और इसके साथ नीचे ऐसे पर्ल लगे हैं, तो आपके पास पर्ल के कुछ भी पहनने के लिए, गले के लिए हो तो उसके साथ आप ये। और ये देखें गोल्डन में है, और इसके ऊपर ऐसे वाइट मोती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये भी गोल्डन में। वर्क इसके ऊपर इतना प्यारा किया हुआ है ना, कैमरे में वही पता नहीं कैसा कलर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे देखो तो बहुत ही प्यारे हैं ये, और बहुत ही लाइट वेट है ये। और पहनने के बाद तो लुक एकदम चेंज हो जाती है। और ये मेरे पास कुछ ऐसे पर्ल के हैं, और ये गिफ्टेड हैं,
पर्सनली मुझे पर्ल की ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये ऐसे डबल में है, ये एक पूरा नेकलेस जैसा लगता है, पूरा बड़ा मतलब ये छोटा नेकलेस जैसा लगता है ये पहनने के बाद, और बहुत ही स्मार्ट। इसके साथ आप बड़े इयररिंग्स भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये छोटा एकदम स्लीक भी है, तो इसके साथ आप बड़े बड़े इयररिंग्स भी पहन सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। इसके लॉक्स जो बड़े प्यारे हैं, ये फ्रंट स्पेशली जो इसके लॉक्स, सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ईजी है, एकदम से खुल जाते हैं और आराम से बंद भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे हम मतलब पहनते हैं ना नेकलेस वगैरह, उसके लॉक्स बड़े होते हैं खुलने, मतलब खुद से हम पहन भी नहीं पाते हैं, तो ये बहुत ईजीली हम इसे पहन भी सकते हैं। और ये आगे जी मेरी पर्ल की ज्वेलरी, और ये सारी गिफ्टेड है। ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं, स्लीक में एकदम। और ये पूरा एक सेट है, इसके साथ टॉप्स हैं, बड़े प्यारे लगते हैं एकदम छोटे छोटे। तो ये हम अपने सूट के साथ, जैसे आजकल गर्मी है ना, तो खाली गले में ये पहन लें, चेन टाइप में, जैसे ये है तो पर्ल की है, और इसके साथ टॉप्स छोटे छोटे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके साथ मेरे पास एक अलग से हैं, तो मैं जब भी कभी पहनती हूँ उसके साथ मैं इस तरह से ये पहनती हूँ। इसके साथ देखेंगे पूरा मैच हो जाता है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये आ गया जी एक सेट है चॉपर में, ये भी गोल्ड प्लेटेड है, ये भी गिफ्टेड है। बहुत ही मुझे स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी जो टॉप्स है ना बहुत ही प्यारे हैं, और कुछ ये ना एक एंटीक ज्वेलरी जैसी लगती है। तो आप इसके खाली टॉप्स भी पहन सकते हैं, और पूरा सेट पहनना हो तो बहुत ही प्यारा लगता है जब ये पहनने से, एकदम स्मार्ट लुक देता है ये पहनने के बाद। तो एक हो गया ये, और उसके बाद एक है जी ये कुंदन का सेट है, और ये भी बड़ा प्यारा है, और ये ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू में है, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। इसका जो नेकलेस बड़ा है, उसके साथ इयररिंग्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो इयररिंग्स हम ऐसे भी पहन सकते हैं, खाली ब्लू सूट हो या साड़ी के साथ मैच करके, ब्लू और सिल्वर में इसका कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा लगता है ये भी। और ये कुछ ऐसे मेरे पास छोटे छोटे इयर रिंग्स हैं, ये देखें सिल्वर और ये कुंदन और पर्ल, ये देखिए पर्ल के मेरे पास ज़्यादा हैं, और ये भी बहुत ही प्यारे हैं। और ये हम इसके साथ भी वेयर कर सकते हैं। और नीचे जो आपको बॉक्स लग रहा है ना ज्वेलरी बॉक्स, ये पेपर माशी का है, और ये स्पेशली ज्वेलरी के लिए बने होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये है जी, ये भी टीका है एक, इसको मांग टीका आई थिंक, या पता नहीं क्या नाम से बोलते हैं, मुझे इतना याद नहीं है। और ये देखिए कितना प्यारा है ये। और ये मेरे पास कुछ इस तरह से छोटी छोटी ज्वेलरी है, और ये देखें बहुत ही छोटे छोटे, और मैं अपने पर्ल के
ज्वेलरी को इस बॉक्स में रखती हूँ। और ज्वेलरी को हमेशा बॉक्सेस पे रखेंगे ना संभाल के, तो इजी हो जाता है फिर निकालना। ऐसे ही क्या हो जाता है, बहुत ही मिक्स हो जाती है सारी ज्वेलरी, तो निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। इस तरह से मैं ज्वेलरी को अलग अलग सेशंस में रख देती हूँ, और जब भी कभी पहननी हो तो इजी हो जाती है निकालनी। और फिर पता रहता है कि हमारी मतलब जैसे पर्ल की ज्वेलरी एक में ही है, बाकी ज्वेलरी और कुछ तरह इस तरह से पैकेट्स भी आते हैं, तो मैं इसमें भी एक कुछ ज्वेलरी को ऐसे रख देती हूँ। जैसे ये मांग टीका है, इसको मैंने इस तरह से रख दिया है, और बहुत ही संभल के मतलब बहुत ही डेलिकेट, कुछ ज्वेलरीज होती है बहुत ही डेलिकेट होती है और टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से हम संभाल के रखेंगे तो टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये थी जी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन। आई होप आपको मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।